इस वक्त हम तमाम लोग जो है दोमेल में पहुंच चुके हैं और ये नन्ना महत जो है ये पानी क्रॉस करके आ गया। अरसलान साहब जो है वो आ रहे हैं, मुदसर महमूद साहब आ रहे हैं, उसके पीछे कूलर उठाया हुआ है जनाब अमीर साहब ने और हाजी यकूब साहब ने ड्राइविंग की है, बड़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं। और उस तरफ से खुसो साहब जो है वो छलांग लगा रहे हैं। तो अब हम दरिया की तरफ बढ़ रहे हैं जी, ये दरिया की तरफ बढ़ रहे हैं हम। और माशाल्लाह सर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जी कि नारायण का गान की तरफ हर कोई जाता रहता है, ये जरा मुनसर जगह है, करनी चाहिए नई जगह। और सरवर साहब से पूछूंगा कि क्या कहते हैं। आपके साथ दोस्तों के साथ एक फिर एक खूबसूरत सफ़र, इस दौरान जो है जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसमें ऑक्सीजन के लिए ओवरऑल अपने जहनों को ताज़ा करने के लिए एक पुरफ़ा मकाम में पर जो हम पहुँचे हैं, तो अल्लाह ताला तमाम दोस्तों के साथ हमारे इस सफ़र को खूबसूरत बनाए और हम मज़ीद इंशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बहुत खूबसूरत प्लेस है जी, खूबसूरत जगह है जी, पानी खूबसूरत है, पत्थर खूबसूरत जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर, हवा बड़ी मज़े की खूबसूरत चल रही है, माशाल्लाह ऐसा ही है। साहब से उनके तासरात लेंगे आज के हवाले से हम। ये सर मैं तो जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वो कोरोनाई माहौल से निकल के हम जो है वो इस जगह पर आए हैं और बड़ी सी जगह है, ये दरिया सरन है और अब हम आगे दरिया की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर चले बैठेंगे, कुछ खाएँ पियेंगे और साथ में नमाज भी उधर ही पढ़ेंगे, बाकी अब आप उधर ही हैं। बहुत शुक्रिया सर, चलते हैं फिर। फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदे सहराई या मर्दे कोस्तानी। तो हज़रत इकबाल के इस खूबसूरत शेर के साथ इस वक्त हम दुमेल ज़िला मनसेरा की एक खूबसूरत जो है वो सैरगाह, और आप देख रहे हैं कि एक हमारे पीछे पानी का खूबसूरत बहाव है और ये अल्लाह ताला के हसीन नज़ारे जो कि इंसान के लिए बनाए गए हैं और इंसान को अल्लाह ताला के इन हसीन नज़ारों की कदर कीमत का एहसास होना चाहिए और उस अजीम मौसम की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें ये नेमतें अदा की हैं। और आज हम अपने दोस्त जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सकलैन बेगम, जनाब माजर खान साहब, जनाब सर मुदस्सर महमूद, सर इस्लाम जहूर, सर साजिद याकूब और सर उज़ैर के साथ यहाँ पर मैं मोहम्मद सरवर खोसा, हम भरपूर यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जबकि कोविड-19 में इस वक्त ज़िंदगी जो है ना सिर्फ वतन सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक जमूत का शिकार हो चुकी है, तो हमें किसी तौर पर सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करते हुए पुरफ़ा मकामात पर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए और आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि इंसानी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है और हमें इस नेचर से इस फितरत से भरपूर जो है वो इस्तफादा करना चाहिए। और यकीनन हम अपने इस टूर को इस अपने ट्रिप को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम अपने इस टूर के को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और वक्तन फ़क्तन हम आपको ये क्लिप्स जो है मज़ीद दिखाते रहेंगे, यकीनन आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये रंग आसमानी मेरे खुदा ये है मेहरबानी, ज़मीनों ज़मन ये रंग आसमानी मेरे खुदा ये है मेहरबानी, ये फूल और पत्ते ये आओगे उसी मेहरबानी की है जलवा फशानी, ज़मीनों ज़मन ये रंग आसमानी मेरे खुदा की ये है मेहरबानी, ये जंगल बियाबान ये
छचरो अजनबी मेरे प्यारे की ये सब जमीनों समन ये रंग आसमानी मेरे खुदा ये है मेहरबानी ये नदी ये नाले ये दरिया समंदर उसी की रजा से ये बहता है पानी जमीनों समन ये रंग आसमानी मेरे खुदा ये है ये फूलों की खुशबू ये शबनम के कतरे नसीमे सहरदी सबा की रवानी जमनों जमन ये रंग आसमानी ये शमसो कमर चमकते ये तारे फलक पे सभी की ये तबान जमीनों जमन ये रूह जिस लौ में हरार ये आंखें ये दिल रगों में रवान जमीनों जमन ये रंग आसमान मेरे खुदा ये है कि हम दो सना भी अता है उसी की सुबह शाम कलम की रवानी सुबह शाम कलम की रवानी जमीनों जमन ये रंग आसमानी मेरे खुदा है मेरे बानी मेरे खुदा की ये है।